हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ओपन ऑफिस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है ओपन ऑफिस की। ओपन ऑफिस में आज खास क्या है आइए दिखाता हूं। ओपन ऑफिस में आज हम बात करेंगे ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस की। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर अगर आपको टेबल बनानी है तो तीन तरीके दिए गए हैं। एक तो दिया गया टेबल क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, दूसरा दिया गया यूज विजर्ड टू क्रिएट टेबल, और तीसरा है क्रिएट व्यू। हमें अभी क्या करना है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं ये इंटरफेस आता है, ठीक है। टेबल ऐसे ही बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक हमने फील्ड ले लिया रोल नंबर, तो ये अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, अंडरस्कोर रहता है तो सही रहता है। और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तुलना में बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप मिलते हैं। देखिए यहाँ पर काफी सारे अलग अलग डेटा टाइप आपको मिले हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारे डेटा टाइप है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कम होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की यानी यूनिक की, यूनिक की यानी कि जो कि स्पेशल की होती है, जो कि यूनिक रहती है, यानी इसमें वैल्यूज एंटर होंगी तो वो यूनिक ही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर राइट क्लिक करिए और ये प्राइमरी की आ जाएगा। बस प्राइमरी की इसे बना दीजिए, ये बन गया प्राइमरी की, यानी कि यूनिक की बन गया। अब यहाँ पे आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर अब आप चाहे तो और भी डेटा इसमें एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ठीक है, फिर यहाँ पे है मैथ्स साइंस, ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट के नाम भी आप एंटर करवा सकते हैं। SCIENCE साइंस भी हो गया, ऐसे और भी सब्जेक्ट के नाम आप एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए तीन ही रखते हैं। और यहाँ पर अब टोटल करना है, तो टोटल यहां से नहीं करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, ये देखिए ये जो है ना, इसे हम बनाएंगे नंबर। ये जो डेटा टाइप है ये नंबर बनेगा, ठीक है। जहां जहां हमें मार्क्स एंटर करने हैं वहां पे नंबर ही डेटा टाइप हमें रखना है, और इसको सेव कर देंगे। तो चलिए मैं इसे स्टूडेंट टी के नाम से सेव कर देता हूं, ये स्टूडेंट टी कर देते हैं टी, तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट टी के नाम से हमारी टेबल बन गई है। अब क्या करना है, इसको क्लोज करना है। जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये स्टूडेंट टी आपको दिखाई देगा। अब इसमें क्वेरी भी लगानी है हमें, तो क्वेरी कैसे लगाएंगे, तो क्वेरी लगाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ रोल नंबर एंटर करें। चलिए देखते हैं प्राइमरी की का क्या महत्व है। यहाँ पे नाम पहला एंटर कर दिया राम, और यहाँ पे 56 मार्क्स एंटर कर दिए, यहाँ पे 78 कर दिया, यहाँ पे 55 कर दिया, तो यहाँ पे कुछ मार्क्स भी हमने एंटर कर दिए। और यहाँ पर आएगा रोल नंबर टू, क्या रोल नंबर वन दोबारा नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते क्योंकि इसे हमने बना दिया है प्राइमरी की। तो रोल नंबर टू लिखने की सोच सकते हैं, लेकिन रोल नंबर वन दोबारा आप एंटर कर ही नहीं सकते, यही तो खासियत होती है। यहाँ पर गौरव नाम एंटर किया हमने फिर से, और यहाँ पे 67 जो मार्क्स जिनके हैं वो मार्क्स इसमें फीडिंग कर देंगे हम, तो ये हो गया। अब हम क्या यहाँ रोल नंबर टू एंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पर एंटर बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वायलेट करेगा, ठीक है, वैलिडेशन रूल को वायलेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो क्या कह रहा है, वायलेशन ऑफ यूनिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिक वैल्यू ही एंटर करनी होगी क्योंकि इसे हमने बना दिया प्राइमरी की। आई होप कि आपको ओपन ऑफिस में भी ये बात समझ में आई होगी कि ये यूनिक वैल्यू जैसे कि हम प्राइमरी की बना रहे हैं उसमें यूनिक ही वैल्यू एंटर करना क्यों जरूरी है, ठीक है। अब ये तीन डेटा फिट करने के बाद यहाँ से इसको यस कर देते हैं क्लोज करते समय, और अब हमें बनानी है क्वेरी। तो ये देखिए ये क्वेरी दिया गया है, तो यहाँ से जाकर के आप चाहे तो SQL में क्वेरी बनाइए, या क्वेरी इन डिजाइन व्यू, या विजर्ड से आप जा सकते हैं। तो ये विजर्ड से चलते हैं इस बार, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से फील्ड चाहिए, हमें सारे फील्ड चाहिए, सारे फील्ड ले लीजिए और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको शॉर्ट बाई किस तरीके से शॉर्ट करना है, तो हम रोल नंबर के बेस पे शॉर्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फील्ड्स को मैच कराना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर हम कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ से नेक्स्ट करके, और यहाँ पर मॉडिफाई चाहे तो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डिस्प्ले क्वेरी करते हैं, तो ये देखिए ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, क्वेरी अगर बनानी हो तो। लेकिन इसमें हम क्वेरी थोड़ा डिफरेंट टाइप की बनाएंगे, यहाँ पे हम इसे एडिट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर आए, आप देखिए यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे उस फील्ड का नाम देना है। ये जो आलियाज लिखा है ना, यहीं पर आपको फील्ड का नाम देना है। तो यहाँ पे टोटल दे दीजिए, टोटल बहुत आसान है, इसमें भी कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, और जो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करने हैं वो यहाँ करने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डबल एटेड कोर्स लगाऊंगा। पहला सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर है, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर लिखिएगा, फिर इस डबल एटेड कोर्स को क्लोज करिएगा, प्लस का निशान लगाइएगा। थोड़ा मैं इसका विथ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़े, ठीक है। और इसके बाद अगला सब्जेक्ट है मैथ्स, तो यहाँ मैथ्स करिए, और मैथ्स के बाद जो अगला सब्जेक्ट आएगा थर्ड सब्जेक्ट, तीन ही सब्जेक्ट तो हमने लिए हैं, तो थर्ड सब्जेक्ट का नाम है इसमें साइंस, तो अब साइंस कर देते हैं SCIENCE, तो साइंस भी हो गया। अच्छा, साइंस भी डबल एटेड कोर्स में रहेगा, अगर डबल एटेड कोर्स में नहीं लिखते हैं तो दिक्कत होगी,
एक्सेस में स्क्वायर ब्रैकेट एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहां पर डबल कोट्स ही आपको लगाना होगा, ठीक है। अब यहां से क्या करना है आपको, यहां से रन क्वेरी पे क्लिक करना है, रन क्वेरी, ये जो दिख रहा है ना रन क्वेरी, ठीक है, इसी में आपको क्लिक करना है, समझ में आ रही है बात। और यहां पे टेबल का नाम कर देते हैं स्टूडेंट टी, स्टूडेंट टी में जाके स्टोर होगा ये, ठीक है। तो यहां से रन क्वेरी क्लिक किया, अब देखिए ऊपर जो है क्वेरी रन हो चुकी है आप देख सकते हैं, और आपका टोटल भी आ चुका है। अब आपको देखिए यहां पर क्वेरी में डेटा एंटर करिएगा तो आप देख पाएंगे कि जो भी आप नाम दे रहे हैं उसके हिसाब से टोटल अपने आप कैलकुलेट होकर आपके सामने आता चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये यहां पर आपको कहने की जरूरत नहीं, टोटल अपने आप हो जाएगा। तो ये फायदा है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।